अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी खैरियत से हूँ। व्यूअर्स, आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पोंचूस के डिज़ाइन के आइडियाज लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोगों को पसंद आएंगे। ये सब भी पोंचूस के जो डिज़ाइन दिखाए जा रहे हैं, ये कोई शवर की मदद से तैयार किए गए डिज़ाइन के आइडियाज हैं। इन पोंचूस पर लेसेस लगी गई हैं, फ्रिल्स लगे गए हैं, बंचेस लगे गए हैं, कॉटन वगैरह इनके बॉडी पर लगे हुए हैं। बहुत प्यारे खूबसूरत लगते हैं। इन पोंचूस पर आप जब कैप्स के साथ इनको स्टिच करेंगे तो और भी ज़्यादा खूबसूरत ज़बरदस्त लगेंगे। पोंचूस पर तो आप मुख्तलिफ़ किस्म की डिज़ाइनिंग अपने माइंड से कर सकती हैं। बहुत से लोग होते हैं जिन्हें पोंचूस का पता नहीं होता, तो पोंचूस का पता होता भी है तो अपने बेबीज़ को कम में पोंचूस बनाते हैं विंटर सीजन में। तो आप अपने बेबीज़ को पोंचूस बनाया करें ताकि आपके बेबीज़ को ये पता लगे पोंचूस होता क्या है। जब आप उन्हें ऐसे प्यारे प्यारे से पोंचूस पूरे शवर की मदद से बना कर देंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा और वैसे पोंचूस पहनकर बहुत प्यारे और ज़बरदस्त लगेंगे। इन पोंचूस को आप बहुत से शेड्स में तैयार कर सकते हैं, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, सर्कल। तो शेप्स आप पर डिपेंड करते हैं कि आप अपने बेबीज़ के पोंचूस पर कौन से शेप्स देना पसंद करती हैं जो आपको भी अच्छा लगे और आपके बेबीज़ को। ये पोंचूस फ्रिल्स की मदद से तैयार किया गया है, बहुत प्यारा लग रहा हुआ। इसमें मेहनत भी लगी जाती है पोंचूस को खूबसूरत बढ़ाने में, बनाने में, इसके साथ कैप स्टिच करने में, ताकि इसकी खूबसूरती थोड़ी सी बढ़ जाए। आप इसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत करते भी हैं तो आपके हैंड में नीटनेस भी आ जाती है। तो आप ऐसे ही पोंचूस अपने बेबीज़ के लिए और भी बनाया करें न्यू न्यू डिज़ाइन के, न्यू न्यू स्टाइलिश के, तो आपके हैंड में और भी नीटनेस आ जाएगी। जब ऐसे ही पोंचूस आप बनाना स्टार्ट तैयार करेंगी अपने बेबीज़ के लिए विंटर सीजन के लिए, तो आपके बेबीज़ ऐसे ही पोंचूस कहीं आना जाना हो विंटर सीजन में, किसी की बर्थडे हो, किसी की इंगेजमेंट हो, तो आपके अपने बेबीज़ तो पहन कर बहुत प्यारे खूबसूरत लगेंगे और पहन कर भी अच्छे लगेंगे। ओके व्यूअर्स, टेक केयर।